हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बताने जा रही हूँ और जीरो बोला मैंने बेटा इसीलिए क्योंकि आप ध्यान से सुनो मैंने ज़ीरो कहा जीरो नहीं यानी मेरे साथ इंग्लिश सीखोगे तो इंग्लिश सीखोगे स्पोकन इंग्लिश सीखोगे अस्पोकन इंग्लिश नहीं प्रनाउंसिएशन एक्सेंट बहुत मायने रखता है और अगर मेरे से इंग्लिश सीखोगे तो मैं चाहूंगी आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं और बेसिक क्या है ध्यान से सुनिए आपको पता है इंग्लिश में कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स होते हैं मेरे साथ आज आप प्रैक्टिस करेंगे और जम के एक दिन पूरा प्रैक्टिस करिएगा कि अगर इंग्लिश लिखना है तो पहले आपको कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा ये कैपिटल लेटर है और कैपिटल लेटर जब आप लिखो तो ध्यान रखना कि कैपिटल लेटर हम इस तरह से लिखते हैं कोई भी लेटर एक दूसरे से टच मत करना क्योंकि मैं जब लिखती हूं तो बेटा थोड़ा सा स्टाइल मार सकते हो आप जैसे मैंने ई e का कर दिया जी एच आई ये देखिए जे के और कुछ लोग जब जे लिखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो प्रॉपर ऐसे लिखते हैं इस लाइन के ऊपर लिखते हैं वो पूरा लाइन को लेके चलते हैं क्योंकि उनको सीधा लिखने की कोशिश करनी चाहिए जे के ध्यान से देखिए एल एम एन ओ पी क्यू आर ध्यान से देखना और मेरे से नकल करना एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड Z ये कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कहाँ यूज होता है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी पहले आप देखिए ये कैपिटल लेटर्स है चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर सके लेकिन ये कैपिटल लेटर के बाद मैं आती हूं कि स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं ये ध्यान से देखिए जब आप स्मॉल लेटर लिखोगे तो मेरा हाथ का जरा फ्लो भी देखना ताकि आपको वो बनाना आसान हो और वो इस तरह से है देखो ए दोनों तरफ से एक पूछ निकला हो बी सी डी e f g h i j देखिए k k ऐसे होता है बेटा l m n o जब आप इस तरह से जिसके पूछ निकले हैं ऊपर नीचे तब हम ऊपर नीचे जाते हैं पी क्यू क्यू का जरा आप देख लो क्यू कैसे लिखते हैं ये ध्यान रखना क्यू कैसे लिखते हैं फिर आइए मैं नीचे आपको लिख के दिखाती हूं क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ये है हमारा स्मॉल ए बी सी टी अब आप पूछोगे कि मैम आपने दोनों तरफ से एक एक पूछ क्यों निकाला है वो मैंने इसलिए निकाला है कि आपकी हैंडराइटिंग कर्सिव होनी चाहिए और कर्सिव हैंड राइटिंग बेटा है, ऐसे लिखते हैं देखो आप मेरे हाथ का फ्लो देखो ए बी सी डी ई F G H I मैं तभी उठाऊंगी अपने फिंगर को जब मुझे डॉट या क्रॉस करना है अदरवाइज देखो मैंने एक बार भी नहीं उठाया आई फिर से उठाऊंगी क्योंकि मुझे जे में भी डॉट करना है फिर देखो के एल एम एन ओ पी क्यू देख रहे हो मैं हाथ उठाया मैंने लेकिन हा, हां जहां पर मुझे क्रॉस करना हो जैसे Q, R, S अब मैं उठाऊंगी T, U, V U और V का देखो स्ट्रक्चर W, X, Y एंड Z X हम लिखते हैं इस तरीके से लेकिन अगर मुझे पेन नहीं उठाना था तो मैंने ऐसे कर दिया ध्यान से देखो इन सबको ये आपका कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स है इंग्लिश सीखना है तो बिल्कुल बेसिक से सीखिए आपकी हैंडराइटिंग बताती है कि आपका एजुकेशन कैसा है क्यों हम लोगों को ये बोलने दें कि भाई इसका बेसिक एजुकेशन बहुत खराब है आपकी हैंडराइटिंग आपकी पहचान है तो मेरे साथ सीखोगे बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगी और इंग्लिश में बोलना और लिखना दोनों प्रॉपर तरीके से सीखेंगे ताकि इंग्लिश ओवरऑल प्रिपेयर हो सके थैंक यू सो मच